हाय गाइस, तो आज इस वीडियो में बात करेंगे एक नए प्रोजेक्ट के बारे में जो कि एक मीम कॉइन है जो आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। इससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को देखा होगा तो मैंने आपको ट्रम्प कॉइन के बारे में बताया, पोंग कॉइन के बारे में आपको बताया। ट्रम्प कॉइन एक ही दिन में यहाँ पर 100% का पंप हो चुका था और पोंग कॉइन के बारे में देखें तो अब तक 30% का गेन हो चुका है। तो आज मैं एक नए मीम कॉइन शेयर करने वाला हूँ जिसमें हो सकता है एक अच्छा पंप देखने को मिले। मैक्सवेल वीडियो का पूरा देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा तो वो आप ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर मैं क्रिप्टो मार्केट के अपडेट कॉइल्स में वहाँ पर शेयर करता हूँ। तो आज मैं जिस कॉइन के बारे में आपको बताने वाला हूं उसका नाम है न्यूरो, फर्स्ट न्यूरो ऑन इथेरियम, जो कि एक मीम प्रोजेक्ट है और मीम प्रोजेक्ट आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड पे है। अगर हम इस टोकन के बारे में देखें तो यहाँ पर 615 मिलियन डॉलर का मार्केट कैप है। मार्केट कैप के हिसाब से देखोगे तो ऑन एवरेज एक अच्छा खासा मार्केट कैप है, ऐसा नहीं कि हम इसको कम बोल सकते। ये 615 मिलियन डॉलर का मार्केट कैप एक एवरेज मार्केट होती है जो कि पंप होने की पॉसिबिलिटी भी रखती है और डंप होने का भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर रखता है, ठीक है। अब इसका आप सप्लाई देखोगे तो जाहिर सी बात है मीम कॉइन के सप्लाई काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये सब चीज़ें कुछ खास मायने यहाँ पर नहीं रखता, क्योंकि सप्लाई जो टोकनॉमिक्स होती है वो जब किसी प्रोजेक्ट का आप देखते हो तो उसे एज ए लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचकर कि आप उस प्रोजेक्ट में लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हो, इसलिए टोकनॉमिक्स वगैरह देखना जरूरी है। बट अभी जो मीम कॉइन हमें देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो पोंग हो, चाहे वो ट्रम्प कॉइन हो, चाहे ये न्यूरो हो, हर प्रोजेक्ट में आपको ट्रेंड के हिसाब से ही बाय सेल करना चाहिए। कोई लॉन्ग टर्म का विजन इसमें आपको नहीं रखना चाहिए। एक आपको अपने टारगेट रखने पड़ेंगे 3x 5x 10x, और एक गैम्बलिंग सोचकर आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा कि अगर आपने $100 इन्वेस्ट किया तो ये 200-300 होगा तो मैं निकाल लूंगा, या फिर ये $50 चला जाता है तो मैं एग्जिट कर लूंगा, या फिर ये जीरो हो जाएगा। तो बस एज ए गैम्बलिंग समझ कर ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है यहाँ पे मार्केट कैप 615 मिलियन डॉलर का मार्केट कैप है, तो ये मेरे हिसाब से एक एवरेज मार्केट कैप है। अगर यहाँ से पंप होता है न्यूरो कॉइन तो मे बी यहाँ से आपको 2-3 बिलियन डॉलर तक भी देखने को मिल सकता है। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो बेसिकली इसको एज ए कम्युनिटी ड्राइव टोकन कहा जाता है, जहां पर कम्युनिटी इसके ड्राइव करती है। कम्युनिटी जो है वो इसके प्राइस को ड्राइव करती है, जस्ट लाइक डॉज कॉइन, शिबा इनू, जस्ट इसी हिसाब से यहां पर बताया गया है। तो मैं हमेशा से आपको बताता हूं कि ट्रेंड के हिसाब से आपको चलना है, ना कि आपको किसी प्रोजेक्ट में एज ए लॉन्ग टर्म के हिसाब से मीम कॉइन पे खास करके इन्वेस्ट करनी है। तो मैं यहाँ पर कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको नहीं बताने वाला हूँ। अभी यहाँ पर ट्रेंड है मीम कॉइन का और टेक्निकली ये मुझे थोड़ा सा बुलिश लग रही है, इसलिए मैंने इस कॉइन को चूज किया कि हो सकता है ये कॉइन आपको एक बड़ा प्रॉफिट दे सके, थोड़े से स्टॉप लॉस के साथ एक बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पर निकाला जा सकता है। बाकी इसके एक्स अकाउंट को आप जरूर चूज करना, यहाँ पर जो भी इसके एक्टिविटीज़ होते हैं वो आपको मालूम होता रहेगा। अगर न्यूरो कॉइन की तरफ से कुछ भी यहाँ पर अनाउंस होते हैं तो वो इसके प्राइस में एज ए फ्यूल काम कर सकती है, ठीक है। अब टेक्निकली हम यहाँ पर देखें कि इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, क्यों मैंने सजेस्ट किया, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इस एरिया के अंडर पे तो काफ़ी टाइम से यहाँ पर ट्रेड हुआ है, और इसके बाद देखोगे तो फिर से यहाँ पर एज ए सपोर्ट यहाँ पर बना रही है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर एक पंप होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी, लेकिन अगर आपको इसको बाय करना है तो कम से कम इस एरिया को आपको वेट करना है। यहाँ पर 0.00158 इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज होती है तो यहाँ से एक बड़ा पंप हमें देखने को मिल सकता है। साथ में दूसरी अगर हम यहाँ पर बाइंग जोन के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप बाई कर सकते हो 0.001376 में आप यहाँ पर एक बाइंग लगा सकते हो। अगर यहाँ पर इसका प्राइस ड्रॉप होता है तो यहाँ से भी पंप होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी, लेकिन अगर इस एरिया के नीचे यहाँ पर इसके नीचे कैंडल क्लोज होता है, इसे ब्रेक करती है, तो फिर इसको बाय अभी बिल्कुल मत करना। आपका जो दूसरा बाइंग जोन होगा वो होगा 0.000958 इस एरिया में, तो यहाँ पर फिर आपको बाय करने का अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और इस एरिया तक आते आते हो सकता है इसका मार्केट कैप आपको 200 मिलियन डॉलर तक देखने को मिले, जो कि अच्छा मार्केट कैप है। तो यहाँ से एक ज़बरदस्त बाइंग हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है, और अगर इस एरिया में आप बाय करते हो तो कम से कम आप 3x से 4x तक का टारगेट आपको यहाँ पर रखना चाहिए। बाकी आप रिस्क ले सकते हो तो अभी करंट प्राइस में भी आप यहां पर बाय कर सकते हो, जो प्राइस चल रही है 0.00146 में यहां पर भी बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस मैं आपको सजेस्ट कर देता हूं कि स्टॉप लॉस कम से कम आपको यहां तक में रखना चाहिए 0.00129 2, यहां तक आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए अगर आप यहाँ पर बाय करते हो, या फिर इस एरिया को क्रॉस करने के बाद भी अगर आप बाय करते हो तो कम से कम आपका स्टॉप लॉस यहाँ तक आपका होना चाहिए।
यही हम यहाँ पर टारगेट के बारे में बात करें, आपको टारगेट क्या रखना चाहिए। तो कम से कम आपका जो टारगेट होगा वो 0.0021 तक का आपको टारगेट यहाँ तक रखना है, और इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज होती है जस्ट यहाँ इसके ऊपर 0.002 के ऊपर कैंडल क्लोज होती है तो एक बड़ा पंप हमें देखने को मिल सकता है। मे बी ये यहाँ से 0.005 तक का ईजिली पंप हमें देखने को मिल सकता है। तो ऑलमोस्ट अगर आप करंट प्राइस से बाय करते हो तो कम से कम 2x तक का आपको टारगेट रखना चाहिए, और जो स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया वो लगभग 0.001295 तक का आपको स्टॉप लॉस रखनी पड़ेगी। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया, मीम कॉइन एज ए लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय नहीं होते, ये जस्ट एज गैम्बलिंग है। अगर आप 100-200 या फिर $20-30 ही लगा के देख सकते हो, टारगेट आपका बड़ा होना चाहिए, लगभग 2x, 3x, 5x का टारगेट होना चाहिए, और कैपिटल ऐसा होना चाहिए जहां पर या तो आप स्टॉप लॉस यूज करो या फिर इतना ही लगाओ जो कि आप अफोर्ड कर सकते हो। ठीक है, मीम कॉइन टोटली गैम्बलिंग होती है, ये एक अच्छा प्रॉफिट भी दे सकता है और अच्छा लॉस भी दे सकता है, लेकिन एज अ मैनेजमेंट के हिसाब से अगर हम यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बढ़िया प्रॉफिट निकाला जा सकता है। जैसा कि करंटली हमने यहाँ पर ट्रम्प कॉइन पे भी निकाला है, पोंग कॉइन में भी हमने यहाँ पर गेन किए। ठीक है, बात करें न्यूरो कॉइन के बारे में कि क्या ये $1 जा सकता है, तो आई डोंट थिंक ये $1 जा सकता है, क्योंकि इसका प्राइस अगर आप देखोगे तो 0.0014 का प्राइस चल रहा है, और मार्केट कैप यहाँ पर देखोगे तो ऑलमोस्ट $600 बिलियन का मार्केट कैप है। उस हिसाब से अगर आप एनालाइज करोगे तो $1 जाने में कम से कम 1000x तक का पंप करना पड़ेगा, जो कि फिलहाल पॉसिबल नहीं है क्योंकि $615 मिलियन का मार्केट कैप है, और मेम प्रोजेक्ट जितने भी है जस्ट लाइक कॉपी पेस्ट जैसे ही आ रहे हैं, वो शिबा इनू का कॉपी हो, डोजी इनू का कॉपी है, तो ऐसे में इसका मार्केट कैप ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 बिलियन तक ही मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट करता हूँ, अगर बहुत ज़्यादा पंप होना हुआ तो आई डोंट थिंक कि $1 ये कभी जा सकता है। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा, मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तो फिर गुड बाय, जय हिंद।